पहले इलेक्शन में जी झगड़ा हुआ था जी गांव कुटबे में ही जी, यहाँ मुसलमान थे हाँ। वे सब चले गए थे यहाँ से। किस सन की बात है ये? यो इलेक्शन 2000 की सितंबर की, 13 सितंबर की, 13 सितंबर। क्यों चले गए थे? वो झगड़ा हो गया था यहाँ से। क्या ये मुजफ्फरनगर दंगे की बात कर रहे हैं? हाँ, वही तो है दंगा, यही तो शुरू हुआ था। वो यहीं से शुरू हुआ था? यही तो शुरू हुआ था। अच्छा, हाँ जी। आया तो कवाल से था। आया तो कवाल तो पर हुआ था। मतलब हम ये कह सकते हैं मोटा मोटा कि उस दंगे की आग आपके गांव तक भड़की? हाँ जी, सब तो पहले ही भड़की। क्या हुआ था उस दंगे में? 2013 में एक दो बच्चों के बीच में हुआ था, उसमें वो दंगा जातिवाद पर चलेगा, चुनाव का माहौल था, उसमें हवा दे दी गई, दंगा इतना बढ़ गया कि गांवों तक पहुंच गया। केवल 2 दिन का दंगा था, 2 दिन से ज्यादा का दंगा भी नहीं था। ये 8 तारीख में शुरू हुआ, 9 तारीख में खत्म हो गया। केवल 2 धक्का था, 61 लोग इसमें मारे गए थे। दंगे हुए ये, दंगों में पूरा गांव परेशान रहा, यहाँ कोई पता लेने नहीं आ कोई भी। करीबन 1 महीने पहले दंगा चालू हो गया था सूचना हमारे यहाँ भी। हमने तो लोगों के पास जाया जाएगा, अब लोगों को समझाया बहुत, मैं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से कहीं जाना नहीं है। आखिरी में 8 तारीख में इतना दंगा बढ़ा हमारे पास के कुटबा गाँव में 8 आदमी मरे। यहाँ के लोग भी ज़्यादा डर गए। हमने उन सबको लोगों को इकट्ठा किया, समझा बहुत, पर नहीं मानने। बच्चे ज़्यादा डरे थे, उनको वहाँ बसी के पड़े गाँव में यहाँ नज़दीक हमारे, वहाँ छोड़ गए। हाँ, मेल मोहब्बत रहता जी खूब, आवा जाओ में ईद पर भी जावा थे हम तो, इनके बेचारे बुलाने आया करते, हम भी जाया करते, खाना खा के आया करते। मेरे पास भी होली दिवाली पर आवा थे जी। हिंदुस्तान में जो सरकार बनी वो कहीं ना कहीं इस दंगे की देन थी। सबसे पहले चरण में हमारे यहाँ चुनाव हुआ, दंगे का ये क्षेत्र था, और ये लगा के भाजपा ने बहुत कुछ कर दिया, मुसलमान को भगाने का काम कर दिया। 50,000 के आसपास लोग विस्थापित हो गए, कैंपों में चले गए, तो लोगों के अंदर ये भावना आ गई कि अगर मुसलमान का कुछ बिगाड़ सकता है तो भाजपा बिगाड़ सके। हमारे यहाँ का मुसलमान इतना गरीब और मतलब सीधा था, आज तक जब जो गांव बसा उन्होंने किसी के साथ कोई दंगा पिछाद नहीं करी, किसी भी तक इतना कर्जा लेगा 10-5 हज़ार भी तो कोई बात नहीं होती, और नहीं किसी के साथ झगड़ा। ज़्यादातर चांस इसी रखे हैं कि झगड़ा ना हो, लेकिन ये नेताओं के कारण झगड़ा हुआ था पीछे, कुछ बीजेपी के कुछ लोक दल के सारे इकट्ठे हो गए, झगड़ा करवा दिया। जो लोग पकड़े गए और जो लोग उस घटना में शामिल रहे उनको सजा होती है, तो आपको किसी तरह का गुस्सा होगा? नहीं, गुस्सा तो ये देखो हमारे घर के है, हमारे परिवार के, सजा होने तो दे, कोशिश करेंगे बीजेपी की सरकार आओगी बाहर काट देंगे। अच्छा। कार्ड का भी वही काट देंगे, फैसला होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि सजा नहीं हो, जो हो गया भूल जो होगा भूल जाओ। ये झगड़ा गलत हुआ, लोगों ने फंसा दिए हमारे भाई। हम तो नोचे आयो, फैसला सा भी हो जाए, मिट जा और अपना करो खाओ, सब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आती किसी की, यूँ मन मुटाव से हट जा। ये बताइए कि ये जो पूरा कुछ हुआ जी, जी इसको आप कैसे देखते हैं? जैसे हम लोगों से बात कर रहे हैं, लोग बोल ये रहे हैं कि हम आज भी समझौते के लिए तैयार हैं, फैसला हो जाए, लोग आ जाएं, हम उनको गले से लगाएंगे, लेकिन केस हटा लिए जाए, इसको आप कैसे देखते हैं? देखो जी, जिस गाँव में कत्ल होगी उस गांव में लोग वापसी कैसे पहुंच जाएंगे? अगर पहुंचे भी, अगर उनके तो वहाँ जहाँ पर हरी पक्की मकान बनी, वहाँ गांव में कच्चे मकान थे, और दहशत तो एक बनी रहे भाई, आज यूँ माहौल था, कल के पता नहीं क्या हो जा, कल फिर मारेंगे, तो इसलिए जा नहीं पाओगे। उनके दिमाग में ये है, ये सिर्फ लोग ये चाह रहे अगर फैसला हो जा, फैसला करो तुम्हें फिर मारेंगे। इस गांव से कोई पहल हुई कि उनको बाहर वालों को रोका जाए कि तुम कैसे मेरे गांव में आके ये करते? जी ऐसा था, वे आए थे 8 बजे
सुबह 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 सब जंगल में जा रहे थे, सब खेतों में जा रहे। ये तो गांव के बाद उस पर हुई थी जी, नदी के पुल पर। हाँ जी, फिर क्या हुआ? बस जी फिर जब प्रयास करे फैसले का। लोगों का ये भी कहना है कि ये उन लोगों ने नहीं किया, ये बाहर से लोग आए और अचानक करके गोली मार के या किस तरह से मर्डर करके चले गए, कितनी सच्चाई है? देखो जी ये तो सब झूठ है, बाहर के आदमी किसी जैसी हिम्मत नहीं है। बाहर के हमारे गांव में 100 आदमी हैं, कभी एक आदमी को नहीं छेड़ सकते बगैर गांव के सारे के, ऐसा कोई नहीं हो सकता। ये लोग बिल्कुल झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो नुकसान हुआ है वो किसान को नुकसान हुआ। मैं बताऊं झगड़े से इतना फर्क पड़ गया, हमारे छोला मुसलमान आता नहीं, हम जाट हैं, हमारा मुसलमान आता नहीं छोला, ना हमारा नौकर लगा, ना हमारा काम कराना हुआ। हिंदू यहाँ होंगे जो भी आओगे, हिंदू मुसलमान कहीं जाते हैं, नुकसान ही है। किस तरह से आपको मजदूर नहीं मिलते, उनके बिना कुछ नहीं है, खाली पड़ा काम सारा जी। वे बहुत लोहार हुए थे। अच्छा जी, लोहार का काम वही करते और काम भी वही करते, सब काम वही करते, बाड़ी लोहार वही थे। क्या चाहते हैं, मौका मिलेगा? गिंडा से भी बाहर जाते हैं चटवान, देख लो। ये इद्दू हरक आया था जी, महमूद है था और जी याकूब है था और मोहम्मद है था, कई भाई थे। हाँ, चार भाई है थे, उसका उधर भी मकान है और एक मकान इधर है ये। अच्छा, यानी आपस में सब भाई थे? नहीं, सब मिलकर हुआ थे, लत्ते कपड़े का काम कर रहे थे, हमारा भी मेल जोल था जी उनके साथ में, ऐसी कोई उस वाली बात कोई नहीं थी। जो उनका काम कर, हाँ जी हाँ, ये जो काम हुआ ये सब एक हादसा ही मान लो जी। हाँ, और हम तो ये चाहे बेचारे आ जाए अपने यहाँ से, कैसे संभाले, और अच्छी बात है। चाहते हैं आप, अब क्या होना? बस भाईचारा कायम हो जाए, वो हाँ वही हो जाए, उसी की इच्छा है सब। ये भाईचारा कैसे कायम? भाईचारा कायम हो रहा है, थोड़ा सा अगर कुछ राजनीतिक स्तर पर जा रहा है, नहीं बोलो मामले सारे आपस में मिट जाते। अफसोस लगता है? अफसोस तो लगा है, पर बाकी नेता लोग हैं ना, बस ये अपनी अपनी वो करे और कुछ नहीं। यहाँ पब्लिक है, इनका कोई नहीं सोचता। देखो गाँव हो या बगीची हो, बगीची में अगर कई तरह के फूल खिलेंगे तो अच्छी लगेगी। अगर एक धार का फूल रहेगा तो बगीचे अच्छी नहीं लगेगी। देखो जी, एक चिड़िया घोंसला जब बनाती है ना, एक तुन का ठेक बना हुआ, जिसका उजड़ जा उसको पता चलता है।